नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्लीज प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और एक एग्ज़ाम और है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, कुछ लोग री एग्ज़ाम भी बोलते हैं। चार तरह के एग्ज़ाम आपने सुने होंगे, सप्लीमेंट्री, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और री एग्ज़ाम। इन ये चार तरह के जो एग्ज़ाम है वो क्या है, इनकी क्या डेट है, कब बच्चा इसको दे सकता है। तो जैसे कि आपको मालूम है सब 10th क्लास में जो सप्लीमेंट्री है यानी कि कंपार्टमेंट, सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट एक ही होता है, तो 12th में वन सब्जेक्ट में और 10th में टू सब्जेक्ट में बच्चे को सप्लीमेंट्री आ सकती है। हम आशा करते हैं कि किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री नहीं आए, लेकिन अगर बाय द वे आ गई सप्लीमेंट्री तो आप उसके लिए आपको कितने चांस मिलने वाले इस साल से वो देखिए। मैं खासकर 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो 10th क्लास में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को पास करने के लिए 3 चांसेस मिलते हैं। फर्स्ट चांसेस तो अभी जुलाई और अगस्त में जो पेपर होगा, जुलाई या अगस्त में किसी में भी जो पेपर होगा वो आपका फर्स्ट चांस रहेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आई है आप इस चांस में उसको पास कर सकते हो। बाय द वे इस चांस में आप पास नहीं हुए, इस चांस में आप पास नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर यानी 2020 का जो पेपर होगा मेन पेपर, उसी के साथ आपकी एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप अपेयर हो सकते हो, अपने आप को अपेयर कर सकते हो और उस जगह पर भी आप अपने आप को पास कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं किया तो इस सेकेंड अटैम्प्ट में भी आप पास कर सकते हो उन सब्जेक्ट को जिसमें आपको सप्लीमेंट्री आई है। मान लीजिए आप उस अटैम्प्ट में भी यानी सेकंड अटैम्प्ट में भी पास नहीं हो सके तो आपको एक और अटैम्प्ट मिलेगा, थर्ड अटैम्प्ट, वो आएगा जुलाई अगस्त में यानी 2020 में जो जुलाई अगस्त आएगा उसमें फिर से आपको एक बार और चांस मिलेगा। उसमें आपको निश्चित तौर पे वो सब्जेक्ट जो है क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप फेल घोषित कर दिए जाओगे और फेल अगर हो गए तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा पूरा 10th। तो ये तो था सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की बात। अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार बच्चा एग्ज़ाम देता है और उसको रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता, या उसको चाहिए कि मेरे 90s में परसेंटेज बने लेकिन उसके नहीं बन पाते, तो वो सोचता है यार चलो एक साल रिपीट कर लेता हूँ, यानी कि फिर से मैं मेरे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे मैथ में कम नंबर आए तो मैं केवल मैथ का एग्ज़ाम दूंगा, यानी मैथ में ही इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, बाकी जो है मेरा सही है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। और उस एग्ज़ाम को वो एज ए इम्प्रूवमेंट के तौर पर दे सकते हैं एक एग्ज़ाम। लेकिन जो री एग्ज़ाम होता है वो सारे सब्जेक्ट के लिए होता है, री एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन री एग्ज़ाम वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है और किसी एक सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए और उसी सब्जेक्ट से आप आगे पढ़ना चाहते हैं, अपनी आगे की स्टडी उसी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के थ्रू उसको अच्छे नंबर बाद में ला सकते हो। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो मैंने आपको मंथ बता दी है कि किस मंथ में आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आएंगे होने वाले हैं, या किस मंथ में आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। और जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट कब आएगा ये मेरे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि मई के सेकेंड वीक में आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।